हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं 2 नवंबर का करेंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 1 नवंबर का करेंट अफेयर्स कल देख चुके थे, जिसको आज हम लोग रिवीजन करेंगे और उसके बाद 2 नवंबर का करेंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जिसमें दिया हुआ है, हाल ही में ब्राज़ील दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है जिसने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में नहीं शामिल होने का निर्णय लिया। ठीक है, तो कल हम लोग इसको देखे भी थे कि दूसरा ब्रिक्स देश बन गया है ब्राज़ील, जो कि किस में शामिल नहीं हुआ, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार द्वारा पराली जलाने पर अंकुश लगाने के लिए राज्य विशिष्ट योजना लागू किया गया था, तो हरियाणा सरकार ने किया था। और अक्टूबर 2024 में किसने नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो ये भी देख लिए थे गृह मंत्री अमित शाह ने। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस शहर में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो ये दिल्ली सरकार ने लगाया था। और नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या दुनिया की कुल आबादी का लगभग कितना प्रतिशत है, तो 17.78% है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे, दिया हुआ है कि केंद्र सरकार ने तिरुवनंतपुरम में मुथलापोंजी बंदरगाह को विकसित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी, तो ये दिया गया है 177 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान किस देश के राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट की है, तो रूस के जो है राष्ट्रपति को सोहराय पेंटिंग भेंट किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखने वाले हैं, दिया हुआ है कि अक्टूबर 2024 में कहाँ स्वालंबन 2024 प्रदर्शनी का आयोजन हुआ, ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में सऊदी अरब ने किस देश के साथ ओमान सागर में सैन्य अभ्यास शुरू किया, तो ईरान के साथ। नेक्स्ट है कि किस तारीख को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने फिलिस्तीन को कितने टन चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी खेप भेजी है, तो ये 30 टन भेजा गया है। नेक्स्ट कि भारतीय रेलवे ने किस देश के पर्यावरण, परिवहन और संचार विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ये किया गया स्विट्जरलैंड के द्वारा, भारतीय रेलवे ने किया है। फिर नेक्स्ट कि किस देश के, कौन सा देश भारत के शीर्ष 3 रक्षा निर्यात गंतव्यों में शामिल नहीं है, तो वो रूस है। एंड लास्ट 1 नवंबर का करेंट था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के PM के साथ 28 अक्टूबर को लक्ष्मी विलास पैलेस में वार्ता की, तो यह लक्ष्मी विलास पैलेस कहाँ है अवस्थित है, तो गुजरात में है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, देखते हैं आज का करेंट अफेयर, जिसमें दिया हुआ है पहला क्वेश्चन कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के 8 प्रमुख क्षेत्रों की उत्पादन वृद्धि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो याद रखेंगे 0.2%। ठीक है, 2% वृद्धि हुई है किसमें, तो प्रमुख 8 क्षेत्रों में की उत्पादन वृद्धि हुआ है इसमें 2% वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत वैश्विक स्तर पर सेटकॉम सेवा क्षेत्र में निवेश के मामले में किस स्थान पर है, सेटकॉम सेवा क्षेत्र में जो है भारत किस स्थान पर है, तो याद रखिएगा जो ये है चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, चौथे स्थान पर भारत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, दिया हुआ है 3rd नंबर कि हाल ही में भारतीय नौसेना के लिए 7वें एंटी शबर मरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, किसको 7वें एंटी शबर
सब मरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखेंगे अभय, अभय जो क्राफ्ट है अभय को लॉन्च किया गया है, जो इसका नाम है। सातवें एंटी सब मरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट जिसका क्या नाम है अभय, लॉन्च कौन किया है? तो भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखेंगे, दिया हुआ क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जिम्बाब्वे में, ठीक है, जिम्बाब्वे में हुआ है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कहाँ जीरो वेस्ट मॉडल पहल की शुरुआत हुई है? जीरो वेस्ट मॉडल का शुरुआत हुआ है कहाँ पर? तो याद रखिएगा जयपुर में। कहाँ पर? तो जयपुर में, याद रखेंगे। नेक्स्ट दिया हुआ क्वेश्चन है कि चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे कभी कभी न्यू सिल्क रोड के रूप में भी जाना जाता है, कब शुरू किया गया था? तो याद रखिएगा कब शुरू हुआ था ये, तो 2013 में शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि हाल ही में किसको विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में? तो याद रखेंगे विपिन कुमार को किया गया है नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में चर्चा में रहा देश ब्राजील किस देश में अवस्थित है? ब्राजील किस देश में अवस्थित है? तो याद रखिएगा दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है कि दीपोत्सव 2024 में किस नदी तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ है? ठीक है, जो दीपावली मनाया गया है उसमें बताइएगा कि किस नदी के तट के घाटों पर भव्य दीपोत्सव उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये आप लोगों को याद होगा अयोध्या में सरयू नदी के तट पे। नेक्स्ट देखते हैं लोग, क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में पहली डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है? तो किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में, याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया? किस तारीख को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है? तो याद रखेंगे कब? 29 अक्टूबर को, ठीक है, 29 अक्टूबर को 9वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इससे जुड़े हुए और भी सारे दिवस, जिसमें दिया हुआ है कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बुजुर्ग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, कॉफी दिवस, विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 3 अक्टूबर को कौन सा मनाया जाता है? तो जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। और भी है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना की स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, ठीक है। और भी देख लेते हैं, इससे पूरा अक्टूबर मंथ का है करेंट अफेयर में दिवस, जिसमें दिया हुआ है 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और विश्व एनेस्थीसिया डे NSAG का। नेक्स्ट है कि 17 अक्टूबर को तो अभिधम्म, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि विश्व बाल चिकित्सा और हड्डा और जोड़ दिवस कब? तो 19 अक्टूबर को। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस और विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन
अलपता दिवस और पुलिस स्मृति दिवस, और 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए कुल भारत का कुल स्वर्ण भंडार लगभग कितना मीट्रिक टन तक पहुंच जाता है। तो कितना पहुंच गया है जो भारत के द्वारा कुल स्वर्ण भंडार रखा गया है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, तो ये पहुंच गया 855 मीट्रिक टन, 855 मीट्रिक टन पहुंच गया है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज के अनुसार वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव का कुल व्यय लगभग कितना करोड़ था। तो कितना करोड़ था लोकसभा चुनाव का कुल व्यय 2024 के में, तो कितना हो जाएगा ये, तो इसका है पूरा 1 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपए पूरा टोटल दिया हुआ लोकसभा चुनाव का कुल व्यय हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में प्रतिष्ठित कोणार्क चक्र की प्रतिकृतियां स्थापित की गई, तो बताइएगा कौन सी हैं, कितनी हैं प्रतिकृतियां स्थापित की गई हैं किसमें। तो राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में, अमृत उद्यान में, इसका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जो है कोणार्क चक्र की प्रतिकृतियां स्थापित की गई। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में पहली निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किस राज्य में पहली सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है, तो याद रखेंगे गुजरात में। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है निजी सैन्य विमान फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। आज के लिए बस इतना ही।